वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी में एक एमएलसी सीट पर कल से नामांकन, 2 जुलाई तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया, विधान परिषद की एक सीट पर होगा उपचुनाव। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई सीट, विधानसभा कोटी के एमएलसी सीट पर उपचुनाव, विधानसभा के सदस्य करेंगे वोटिंग, संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको बता दें उनकी सीट ये खाली हुई है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी थे, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी और वो सीट अब खाली है। विधानसभा कोटे, विधानसभा सदस्य करेंगे अब वोटिंग, संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत माना जा रहा है कि तय है। 2 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। चलिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मयूर, एक सीट के लिए आपको बता दें उपचुनाव होना है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत तय है, ये क्या समीकरण बन रहा है बीजेपी के हिसाब से? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब सपा से इस्तीफा दिया, इसके साथ ही उन्होंने 20 फरवरी को विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत लंबा था, 6 जुलाई 2028 तक ये कार्यकाल चलना था, लेकिन ये सीट रिक्त हो गई है। अब इसका उपचुनाव होना है मंगलवार से, यानी कि कल से इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। नामांकन पत्र 2 जुलाई तक भरे जाएंगे और क्योंकि जो सीट है ये विधानसभा क्षेत्र के कोटे की ये सीट है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे खासे विधायक हैं, पूर्ण बहुमत से हैं, तो ऐसे में जो विधायक इस पर, क्योंकि जो विधानसभा की सीट होती है उसमें सिर्फ विधायक ही वोट डालते हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो सीट है वो भाजपा के खेमे में जानी तय है। हालांकि नामांकन 2 जुलाई तक भरे जा सकेंगे, देखना होगा कौन कौन इसमें नामांकन करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयूर तमाम जानकारी के लिए।